दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं पुनीत भाटी आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। और आज हम थार का ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। ये मेरी थार है, मैंने मार्च में खरीदी थी, और इसके सब मैं मेरिट और डीमेरिट बताऊंगा। सबसे पहले इसकी बुराई से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि बुराई भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है थार के अंदर। और ये सब चीज़ें सब बताते हैं कि इतना NM का टॉर्क है, इतनी हाइट है, इतना वेट है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं सीधे इसके बुराई के बारे में बताऊंगा। अच्छाई भी ऐसी बात नहीं है, अच्छाई भी बहुत है गाड़ी के अंदर। आइए मैं बताता हूँ इसकी सबसे पहली बुराई के बारे में। पहला इसका सबसे बड़ा बुराई ये है, सबसे बड़ी खराबी, इसमें हाइड्रोलिक नहीं है, बोनट बहुत भारी है। देख लो, स्कॉर्पियो में इन्होंने बहुत अच्छी दिया था, स्कॉर्पियो क्लासिक में हाइड्रोलिक दिया था। इसको उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, भारी भी बहुत है। 18 लाख की गाड़ी है, उस हिसाब से इसमें हाइड्रोलिक तो इन्होंने देना चाहिए था बोनट में। और दोस्तों मैं इसका दूसरी बुराई बताता हूँ, जो इसमें सबसे बड़ी खराबी मुझे लगती है पीछे जाने के लिए। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमने यहाँ से खोल के अंदर जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। कोई मोटा आदमी या फिर कोई लेडीज इसमें दिक्कत करेगी जाने में। और इसमें 4 लोग ही बैठ सकते हैं कंफर्ट, 5 नहीं बैठ सकते हैं। बोलते हैं कि 5 5 बैठ जाते हैं थार में, लेकिन 5 नहीं बैठ सकते, सिर्फ 4 लोग ही कम्फर्ट बैठते हैं। और बैठने के लिए तो जो फैमिली कार तो बिल्कुल भी नहीं है ये, और पीछे भी लड़के ही बैठ सकते हैं। लेडीज में प्रॉब्लम होगी बैठने के लिए, क्योंकि स्पेस बहुत छोटा है, दिक्कत होती है जाने में। और मैं आपको एक बार जाके दिखाता हूँ, ऐसे जाना पड़ता है इसमें। स्पेस और कंफर्ट गाड़ी में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, स्पेस बहुत है गाड़ी के अंदर, और कंफर्ट भी ठीक है, आराम से 4 लोग कंफर्ट जा सकते हैं, एकदम मजे से जा सकते हैं। ये आर्मरेस्ट मैंने इसे बाहर से शोरूम से ही लगवाए थे, ये जिसकी कॉस्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी तो नहीं बताऊंगा। आर्मरेस्ट भी अच्छे हैं, और ये देखो स्पेस की बात करें तो देखो काफ़ी स्पेस भी है यहाँ पे, और 4 लोग आराम से जा सकते हैं। एडजस्ट ये थोड़ा ऊपर हो सकती है, और नीचे एडजस्ट इसको हम आराम से कर सकते हैं। तो इस पे फिट और फिनिश पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जो थार पे तो बिल्कुल दिया नहीं है। जिस तरह से ये 18 लाख की गाड़ी आ रही है, टॉप मॉडल इसका, ऑटोमेटिक का तो और भी महंगा है, 1.5 लाख रुपये महंगा है। ये देखो बिल्कुल ऐसे मिल रहा, मतलब जैसे 2 4 लाख रुपये की गाड़ी आती है ना, रोबोट थर्ड क्लास गाड़ियाँ ऐसी दे रखी है। देखो ये देखो, काफ़ी यूट्यूबरों ने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, तो इस पर आज तक महिंद्रा ने ध्यान दिया नहीं है बिल्कुल भी, और ना आगे वाला ध्यान मेरे हिसाब से देगा भी नहीं है। और अब तो फिलहाल महिंद्रा की जो थार है वो 5 डोर में भी आने वाली है, 3 डोर है। चलते हैं आपको एक और तीसरी बात बताते हैं, जो इसकी फिटर फिनिश की है। ये देखो इसमें आवाज़, देखो ये क्वालिटी है इसकी, बहुत गंदी आवाज़ आती है। जिस हिसाब से गाड़ी का रेट है, उसी हिसाब से अच्छी बिल्कुल भी क्वालिटी नहीं दी है। ये देखो कितना छोटा स्पेस है इसमें, ज़्यादा कुछ आ नहीं सकती, किताब कॉपी आ सकती है, और ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। ये 4x4 का लीवर है, इसमें आपको 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो का ऑप्शन मिलेगा। ये 6 गियर में आती है। यहाँ आपको एक छोटा सा आर्मरेस्ट, ये मैंने शोरूम से ही लगवाया था, कंपनी का ही है। तो बेकार इसमें चीज़ लगी इसका ये है, देने का कोई मतलब तो है नहीं। जब इसको लगा लेंगे तो ड्राइवर को दिखेगा नहीं सामने का बिल्कुल भी व्यू। आप यहाँ से एक बार देखो, दिखा लूँ क्या हुआ, ये देखो इसको लगने के बाद सामने की विजिबिलिटी बिल्कुल 0 हो जाती है, कुछ दिखेगा नहीं, एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका लगाने का कोई मतलब है नहीं महिंद्रा को। देखो ड्राइवर की हालत, कैसे गाड़ी चलाता होगा वो। ये देखो बेल्ट, ये क्या है, धग्गे बंधे हुए, देखो धग्गे निकल रहे, तुम्हें दिख रहा भी होगा धग्गे निकल रहे हैं। अरे भैया कुछ तो दे दो थार के अंदर, जो कुछ लगे कि हाँ भैया हमने 18 20 लाख की थार खरीदी है, कुछ तो अच्छी चीज़ दे दो इसके अंदर। बहुत सी अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत सी खराब भी चीज़ है इसके अंदर बिल्कुल भी। ये देखो प्लास्टिक बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ये दे दिए। ये क्रोम, थोड़ा क्रोम फिनिश देते हैं, अंदर बैठ के थोड़ा ऐसा लगता कि लग्जरी फील थोड़ा होता। और एक और सबसे बड़ी बात इसके अंदर, बूट स्पेस जो बिल्कुल 0 है, थोड़े डंडे रखे हुए, इस पर ध्यान मत देना, ये हमारे पर्सनल डंडे, केदारनाथ के डंडे हैं। और ये रहा, अगर बहुत से लोग इसको ऐसे लगाने के बाद, काफ़ी शिकायत आई है कि ऐसे इसको शीशे को तोड़ देते हैं, लेकिन ये इसका लगाने का तरीका नहीं है। सबसे पहले इसको खोलेंगे, और पहले ये मिरर लगेगा, शीशा जो होता है ये लगेगा। इसमें हाइड्रोलिक दिया हुआ है, ये सबसे अच्छी बात दी है महिंद्रा ने, ये हाइड्रोलिक है। ये बोनेट में भी देना चाहिए थे इनको, जो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन पीछे दिया है, चलो ठीक है। और ये देखो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी, ऐसी बाहर दिख रही, कोई बच्चा भी इसको हटा सकता है, कुछ भी टूट भी सकते हैं। ये ऐसे लटका दिया यहाँ पर, पहले इसको यहाँ लगाएंगे और फिर इसको बंद करेंगे। और इनको स्टपनी पे भी लॉक देना चाहिए था, जो इन्होंने दिया नहीं है, कोई भी खोल के और स्टपनी चोरी कर सकता है। और ये यहाँ पे देखो 4x4 की बैजिंग दी है, और अभी पहले तो
जो महिंद्रा ने 4x2 लॉन्च की थी उसमें कुछ नहीं थी, बस ये हटा दिया था, लेकिन अब काफी लोगों की डिमांड पर यहाँ RWD लिख दिया है, जिससे अब पता लग सकता है गाड़ी 4x4 है 4x2 है, लेकिन बहुत से लोग भी उसको RWD को हटा के 4x4 की बैजिंग लगवा लेते हैं। भैया 4-5 लाख रुपए सस्ती है, लेकिन मजा नहीं है, जो 4x4 मजा है वो नहीं दे पाएंगे आप, चाहे कितना भी लोगो लगवा लो 4x4 का, लेकिन जो पहाड़ों में गाड़ी चलती है उसका मजा नहीं ले पाओगे। 4x2 या 4x4 भैया। अब दोस्तों हम इसकी अच्छाई के बारे में बताएंगे, जो थार जिससे फेमस है। एक तो इसका जब हम ऊपर मतलब थार पे बैठते हैं इसमें सीट पे, तो बिल्कुल एकदम व्यू बहुत अच्छा दिखता है, क्लियर दिखता है, ऐसा लगता है कि हम ऊँट पे बैठे हो। ऊँट का सिंबल देखो यहाँ लगा भी हुआ है थार के पीछे, ऊँट। बहुत अच्छा लोगो लगता है मुझे ये। और जब छोटी गाड़ियों में बैठते हैं जैसे कि स्विफ्ट वगैरह हो गई, इस रेंज की गाड़ियों और में बैठते हैं तो ऐसा मतलब नीचे की तरफ बैठते हैं, लेकिन इसमें उठे उठे थोड़े अच्छे आगे से, पीछे और बैठ। सब कुछ बोनेट वगैरह आप देख सकते हो, बोनेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ड्राइवर को, और गाड़ी भगने में कोई इशू नहीं है, लेकिन इसको भगाना नहीं चाहिए क्योंकि गाड़ी का ऊंची है थोड़ी, तो दिक्कत करती है बैलेंसिंग में। 100+ इसको भगाना नहीं चाहिए, भगाने का मतलब कि बिल्कुल नहीं है, ये ऑफ रोडिंग पर्पज से कार बनाई गई थी महिंद्रा ने। और ये गाड़ी का 4x4 लेवल है, इसमें आपको 2 हाई 4 हाई न्यूट्रल और 4 लो। 2 हाई का मतलब हम नॉर्मल जो गाड़ी सभी गाड़ी चलाते हैं वो 2 हाई में ही चलाते हैं, जिसका मतलब है कि गाड़ी के 2 पहिए पावर लगाते हैं और 2 मतलब पावर नहीं लगाते हैं, और ये 4 हाई का मतलब है चारों गाड़ी के पहिए पावर लगाते हैं और गाड़ी भगाने के पर्पज से 4 हाई लगाया 4 हाई लगाया जाता है। न्यूट्रल का मतलब ये है कि गाड़ी काम नहीं करती, देखो मैं आपको दिखाता भी हूँ। देखो मैंने न्यूट्रल लगा दिया है, तो इसमें गियर काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, ये रहा गियर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे गाड़ी के, बिल्कुल गाड़ी न्यूट्रल है। कुछ गाड़ी चलेगी नहीं, क्लिच भी काम नहीं करेगी गाड़ी की, और हम ऐसे ही गियर लग रहे हैं। अब इसका मैं 4 लो की बात करूं, तो 4 लो हम जब लगाते हैं जब हमारी गाड़ी कहीं पे फंस जाती है या फिर किसी को गाड़ी दूसरी गाड़ी को निकालना पड़े, इससे गाड़ी के अंदर पावर आ जाती है और चारों पहिए जो इसके चारों टायर है वो जान लगाते हैं। ये हमारी गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है, इसमें दो दो स्पीकर यहाँ दिए हुए हैं और दो स्पीकर, एक स्पीकर यहाँ दिया हुआ है, एक स्पीकर यहाँ दिया हुआ है, कह सकते हैं नॉर्मल स्पीकर है, इतने खास स्पीकर नहीं, जैसे बॉस वगैरह के हैं, इन्फिनिटी वगैरह के हैं, JBL के, ऐसा कुछ खास स्पीकर तो नहीं, लेकिन ठीक है, आवाज़ अच्छी है, क्लियर है आवाज़, ऐसा नहीं है कि फटी फटी आवाज़ आती है, नॉर्मल आवाज़ है। ज़्यादा हम तेज वॉल्यूम करेंगे तो थोड़ी दिक्कत आती है, ऐसी कोई इशू नहीं है, और सीट बेल्ट काफ़ी अच्छी है गाड़ी की, बिल्कुल है, जैसे एकदम गाड़ी फोर्स लगाती है तो एकदम आदमी रुक जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और गाड़ी की तरह कि आदमी टकरा जाए कोई दिक्कत नहीं है, आराम से अच्छी सीट बेल्ट दी हुई है। सेफ्टी पर महिंद्रा ने बहुत ध्यान दिया हुआ है, बहुत ही लोहा लाट गाड़ी दी है, मारो तक तरह नहीं है ये, बिल्कुल भी एक हाथ मारो टूट जाए गाड़ी, ऐसे कुछ नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी, सेफ्टी के पर्पज से गाड़ी अच्छी है। भगाने बिल्कुल मत भगाओ गाड़ी को, 100 तक रखो गाड़ी को, खूब अच्छे से गाड़ी चलेगी। जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे थार के अंदर वो है इसका लुक, रोड प्रेजेंस बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जबरदस्त है, कोई भी गाड़ी सामने से आ रही है उसको रास्ता दे देगी, इसको रास्ता दे देगी, उसको नहीं देगी, इसको रास्ता दे देगी। और जो सबसे बड़ी बात है थार के अंदर वो है एवरेज की, एवरेज की बहुत से लोग बोलते हैं कि गाड़ी का एवरेज बिल्कुल भी नहीं है, और गाड़ी तो 2 का एवरेज दे रही है, 4 का एवरेज दे रही है, 10 का एवरेज दे रही है, चलो पेट्रोल में तो 9-10 का एवरेज देती है, लेकिन डीजल में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 14 का एवरेज दे रही है, मेरी फिलहाल गाड़ी है लोकल में दे रही है, डीजल गाड़ी है ये, और डिपेंड करता है आप गाड़ी किस तरह चला रहे हो, आप गाड़ी किस तरह आप एक्सीलेटर दे रहे हो, हाईवे पे कम से भी कम 17-18 का एवरेज देती है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी चलाने में भी और एवरेज में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जिसके पास नहीं है वो सिर्फ अंदाजा लगाते हैं कि गाड़ी बड़ी गाड़ी है, 2200 cc का इंजन है तो एवरेज नहीं दे पा रही होगी, और डिपेंड करता है आपके एवरेज मतलब जो आप चला कैसे रहे हो, किस कंडीशन में चला रहे हो, कहाँ चला रहे हो, आप एक्सीलेटर ही दे के जा रहे हो और एक्सीलेटर ही दे रहे हो, क्लिच नहीं दे रहे हो गाड़ी को, तो वहाँ एवरेज घटता है, और डिपेंड भी आपका ये भी करता है कि आप गाड़ी किस रोड पे चला रहे हो, गाँव में चला रहे हो, खेत में चला रहे हो, बहुत से लोग इसको खेतों में भी चलाते हैं, हाँ ऑफ रोडिंग चला सकते हो, लेकिन वहाँ फिर एवरेज की आप एवरेज की तुलना बिल्कुल मत करो कि एवरेज नहीं दे रही है गाड़ी, एवरेज अच्छा है नो डाउट, एवरेज बहुत अच्छा है गाड़ी का, 14 का एवरेज है, जिस तरह से इसका इंजन है पावरफुल इंजन है, 2200 cc का इंजन है, 14 का एवरेज बहुत है गाड़ी के लिए, और भी गाड़ियां हैं जो किया सेल्टोस हो गई और भी गाड़ी वो इतना एवरेज नहीं दे पा रही, वो भी 10-11 का एवरेज दे पा रही है, तो एवरेज के लिए इसको बुराई मत दो, एवरेज गाड़ी का बहुत अच्छा है, 14 का एवरेज है। बहुत से लोग थार का कंपेयर जिमनी से करते हैं, भैया एक हाथी है और एक हिरन है तो उसका कंपेयर नहीं सकता, जिमनी जिमनी है, थार थार ही है। अभी जिमनी में, जिमनी के बारे में सुनने में आया है कि वो अपनी गाड़ी पे 3 लाख रुपए ड्रॉप कर रही है, तो लेकिन जो गाड़ी उन्होंने पहले बेची है, जो यूनिट उन्होंने पहले बेची है, उन कस्टमरों के दिल पे क्या बीत रही होगी, भैया हमने 3 लाख रुपए महंगी गाड़ी ले ली, हमने 3 लाख रुपए, अब गाड़ी सस्ती हो गई है तो
तो कहीं ना कहीं मारुति ने ये चीज गलत की है। हर कोई भी गाड़ी है वो अपने रेट बढ़ाती है, जैसे थार है पहले कुछ रेट में आई थी, अब ये ऐसी 18-19 लाख रुपए करीब ये गाड़ी हो रही है मैनुअल में, ऑटोमेटिक में ये 21-21.5 में हो रही है। तो इसने अपनी जो क्वालिटी है वो बढ़ाई है, लेकिन जिम्नी ने 3 लाख रुपए घटाकर जो उसके कस्टमर थे उनका दिल दुखाया है। और मारुति को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पहले रेट हाई करके फिर घटा रहे हो, उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो फिर जो कस्टमर ने थार जिम्नी ली है, या तो उनके पैसे वापस करो 3 लाख रुपए जो आपने घटाए हैं। जो सबसे बेकार चीज मुझे महिंद्रा के अंदर लगी वो महिंद्रा गाड़ी में नहीं है, गाड़ी अच्छी है, चलो हम इसकी बुराई को भी देख सकते हैं, आने जाने का भी देख सकते हैं, अंदर बैठने का भी, और स्पीकर के ऊपर जो क्वालिटी है स्पीकर की प्लास्टिक की वो भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू महिंद्रा के अंदर बन चुका है वो है सर्विस का रिगार्डिंग। सर्विस के रिगार्डिंग एक तो इनके जो सर्विस सेंटर पर जाके जो सर्विस करते हैं उनको बोलने की तमीज नहीं है बिल्कुल भी, और संतुष्ट नहीं करते कस्टमर को, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अभी मेरी थार में कुछ दिन पहले एक प्रॉब्लम आ गई थी, कम से भी कम उस प्रॉब्लम के लिए, बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, आवाज़ आ रही थी डैशबोर्ड में से, बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, उसके लिए 8 बार मुझे महिंद्रा में बुलाया गया शोरूम में, ये सूरजपुर में कॉन्सेप्ट ऑटोमोबाइल्स के नाम से शोरूम है। तो सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, और बोलने का चलो सर्विस भी अच्छी नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि बोलने का तरीका एक कस्टमर के और एक सर्विसमैन के अंदर बीच में जो होता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गाड़ी तो कोई भी बेच सकता है, कोई भी कंपनी बेच रही है, मारुति इससे ज़्यादा गाड़ी बेच रही है अपनी, बहुत यूनिट बेच रही है, लेकिन वो सर्विस भी दे पा रही है, और बोलने का तरीका जो सबसे अच्छा जो मेन चीज़ है बोलना वो बहुत अच्छा है उनका। मारुति है अपनी यूनिट चलो मानते हैं कि उसमें बिल्ड क्वालिटी नहीं है, लेकिन जो सर्विस है वो अच्छी दे पा रही है, टाइम से दे पा रही है, और ऐसा नहीं है कि बोलने का एक सर्विस मैन के एक सेल्समैन के अंदर और एक कस्टमर के मतलब बीच का जो बोलने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। इस चीज़ के लिए मारुति हो गई, टाटा हो गई, और भी ब्रांड है, टोयोटा हो गई, बहुत अच्छा है। लेकिन महिंद्रा के अंदर जो सबसे बड़ी गंदी चीज़ मुझे लगी, एक तो इनकी सर्विस जो है ही नहीं बिल्कुल भी, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन है ही नहीं बिल्कुल भी। महिंद्रा की गाड़ी कोई भी ले रहा है, गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, सेटिस्फाई है आदमी, कोई भी गाड़ी ले लो, स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियन ले लो, थार ले लो, XUV 300 ले लो, XUV 700 ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां आदमी जो रोता है महिंद्रा की तरफ से वो है सर्विस, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो महिंद्रा को इस पे ध्यान देना चाहिए, अपनी सर्विस पे ध्यान देना चाहिए। जो कस्टमर की प्रॉब्लम है वो तुरंत मतलब कुछ टाइम में, ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी को एक हफ्ते के लिए आप शोरूम में रख रहे हो फिर गाड़ी ठीक करके दे रहे हो, वो कहीं ना कहीं गलत है। आदमी 20 लाख की गाड़ी ले रहा है भाई, 20 लाख की गाड़ी उसने ली, अब तुम शोरूम पे बुला रहे हो उसको बार बार बुला रहे हो, दिक्कत कहीं ना कहीं आदमी बहुत ही असंतुष्ट हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। आप मैंने गाड़ी ली 18 लाख की गाड़ी ली, मुझे कम से कम 7-8 बार बुलाया उन्होंने, और गाड़ी चार पाँच दिन उन्होंने रखी भी अपने पास, मैं बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, बार बार वो ठीक करके नहीं दे रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं बुरा लगा। और सबको लगता है, हर आदमी अपने का आज के टाइम में बहुत बिजी है अपने काम को लेकर, तो महिंद्रा को इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जो भी कमी है महिंद्रा के अंदर उस फिट एंड फिनिश होती है उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल भी अच्छी नहीं। थार की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, XUV 700 की अच्छी है, थोड़ी लग्जरी फील कराती है, लेकिन थार नहीं कराती है, एक ऑफ रोडिंग है, पर लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए, वायर दिख रहे हैं वो दिखने नहीं चाहिए। और जो महिंद्रा को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो अपनी सर्विस पर ध्यान देना चाहिए। एक बोलने का तरीका जो होता है कस्टमर से वो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बदतमी से बात करते हैं, तू तो डाक से बात करते हैं, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और सुन, और कस्टमर केयर में कॉल करते सुनता भी कोई नहीं है कि बात कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, सुनता है, सबसे बड़ी बात सुनता नहीं है। तो इस चीज़ पे महिंद्रा को ध्यान देना चाहिए, जिस तरह से महिंद्रा अपनी गाड़ी और इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इस तरह से अपनी सर्विस पे भी इम्प्रूवमेंट करना चाहिए थार को, और थार को नहीं महिंद्रा को करना चाहिए। तो दोस्तों ख़त्म करते हैं अपने इस ब्लॉग को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने ऑनेस्टी दी है, ऐसे कोई नहीं है कि मैंने किसी और की गाड़ी लिया है, मेरी खुद की गाड़ी है और मेरा 7-8 महीने का एक्सपीरियंस भी इस गाड़ी पर, ऑनेस्ट रिव्यू है, ऐसे कुछ नहीं है कि मैंने महिंद्रा से पूछ के दिया है या महिंद्रा के को गलत साबित करने के दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 50,000 सब्सक्राइबर पूरे करा दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप आगे भी मेरे सब्सक्राइबर को बढ़वाओगे और करवाओगे और सिल्वर बटन जल्दी दिलवाओगे। और थैंक यू सो मच फिर से आपको, तो ब्लॉग एंड करते हैं, थैंक यू सो मच।